नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, पार्ट सिटी। आज आपके साथ जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वो विषय है परिपूरक आहार, यानी कि सप्लीमेंट्री फूड्स फॉर चिल्ड्रन। बच्चों को जो माँ के दूध के बाद में, यानी कि 6 से 7 महीने का जब बच्चा हो जाता है, तो उसकी जो पौष्टिक मांग होती है वो माँ के दूध से, पौष्टिक तत्वों की जो मांग होती है वो माँ के दूध से पूरी नहीं होती है। इसके लिए उसे साथ में उसके फूड को सप्लीमेंट करना पड़ता है, इसीलिए इसको सप्लीमेंट्री फूड या इसको परिपूरक आहार कहा जाता है। तो जो है ये जो आहार, अब इससे पहले जो की वीडियो में हमने बात की थी ब्रेस्ट फीडिंग की और आर्टिफिशियल फीडिंग की, आज हम बात कर रहे हैं कि जो है बच्चा जब 6 से 7 महीने का होने लगता है तो उसे किस तरह के आहार जो है वो देने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो सबसे पहली बात तो ये है कि परिपूरक आहार जो है ये 6 to 7 months ऑनवर्ड्स जो है, यानी कि 6 से 7 महीने के बाद में इसको देना शुरू करना चाहिए। इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया है। एक तो है तरल पूरक आहार, जिसको कि लिक्विड सप्लीमेंट्री डाइट कहते हैं। दूसरा है अर्ध ठोस पूरक आहार, सेमी सॉलिड सप्लीमेंट्री डाइट, जो कि 5 से 6 महीने में स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि इस समय तक बच्चे का की जो पाचन प्रणाली होती है वो थोड़ी थोड़ी परिपक्व होने लगती है और वो सेमी सॉलिड जो है उसको आहार जो है वो पचा पाता है। और उसके बाद में शुरू होता है थर्ड जो है वो है ठोस पूरक आहार, जिसको हम सॉलिड सप्लीमेंट्री डाइट कहते हैं। ये सॉलिड सप्लीमेंट्री डाइट जो है ये 6 से 7 महीने की उम्र में शुरू की जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो तरल जो होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल लिक्विड है ना, उसके बाद तो इसमें जो है माता का दूध या कृत्रिम दूध, है ना, माँ का दूध दिया जाएगा या कृत्रिम दूध जो दिया जाता है वो तो शुरू से ही, पहले दिन से ही दिया जाता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं तो इसको मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगी। और सेकंड जो है इसमें तरल पूरक आहार में, उसको कॉड लिवर ऑयल कहते हैं। एक खास तरह की मछली होती है, उसके लिवर से एक ऑयल या तेल निकलता है जो कि बहुत ही जो है न्यूट्रिशियस होता है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू या उसकी जो, जिसको हम कहते हैं कि उसकी जो जो उसमें जो जो न्यूट्रिशन है, यानी जो उससे उसको जो पौष्टिक तत्व मिलेंगे वो उसको बहुत ही ज़्यादा उसको फ़ायदा करते हैं। और इसमें जो है ये कॉड लिवर ऑयल जो है ये 2 महीने की उम्र से ही शुरू कर दिया जाता है। और इसमें 2 मेन विटामिन होते हैं, विटामिन ए और विटामिन डी। विटामिन ए जो है वो बच्चे को अंधता से बचाता है और विटामिन डी जो है वो बच्चे को रिकेट्स से बचाता है। और ये जो विटामिन ए जो है, इसकी ये जो कॉड लिवर ऑयल है, इसकी शुरुआत में 2 से 3 बूंदें जो है वो दूध में मिला के दी जाती हैं और जो है फिर धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाकर जब 1 साल का बच्चा हो जाए तो उसको 1 टीस्पून इसको बढ़ाना चाहिए। ये जो कॉड लिवर ऑयल जो है ये बच्चे के आहार में विटामिन को ऐड करता है। तो बच्चे के दूध जो, और ख़ास करके जो दो बच्चे जो है माँ के दूध पर नहीं कृत्रिम दूध पर निर्भर होते हैं, यानी जो जिनको कि ऊपर का दूध दिया जाता है, उनको, उनके लिए ये कॉड लिवर ऑयल जो है ये और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और माँ के दूध के साथ में भी इसे दिया जाता है, दिया जाना चाहिए। और इसके तरीका ये होता है कि माँ का दूध निकाल कर कटोरी में और उसमें ये ड्रॉप्स डालकर और बच्चे को जो है वो कटोरी चम्मच से उसको पिलाया जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है ताज़े फलों का रस, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं जैसे ऑरेंज है और जैसे मौसमी है, ऑरेंज है, इस तरह के जो फ्रूट्स जो जो कि जिनको हम कहते हैं सिट्रस फ्रूट्स जो कहते हैं, जिसमें विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी जो है वो बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ये विटामिन सी जो है ये भी जो है 3 महीने की उम्र में, 3 मंथ्स की एज में इसको स्टार्ट कर देना चाहिए।
3 months पर ही इसको स्टार्ट कर देना चाहिए, और ये भी जो है इसको जो है रस निकाल कर बच्चे को, और उसमें जो है एक तो रस जो है वो खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रूट का रस जो है वो मीठा मीठा संतरा, मीठी मौसमी और इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं उसका रस लेना चाहिए, और अगर उसमें ज़रूरत पड़े तो ग्लूकोज या जो है चीनी मिलाकर भी बच्चे को दिया जा सकता है। खट्टा रस जो है वो बच्चे के लिए नुकसान कर सकता है, और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, उसको रूम टेम्परेचर पर निकाल कर और बच्चे को दिया जाना चाहिए। तो ताज़े फलों का रस जो है ये बच्चे के लिए विटामिन सी देता है, और विटामिन सी जो है क्योंकि इसके बाद में 6 महीने से बच्चे के दांत और मसूड़े जो है दांत निकलने लगते हैं, तो उनके दांतों को, उनके गम्स को और के लिए जो है और बीमारियों से बचाने के लिए भी जो इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी विटामिन सी जो है उसका आवश्यक होता है, इसलिए ताज़े फलों का रस देना चाहिए। और फिर उसके बाद में जो इसमें लिक्विड डाइट में जो है नेक्स्ट वो है सब्जियों और दालों का सूप। तो जो इस तरह की सब्जियां जो बहुत आसानी से गल जाती हैं, जैसे लौकी, तोरी जो है, टींसी, इस तरह की जो सब्जियां होती हैं इनको मैश करके, और जैसे इसमें गाजर कद्दूकस करके, इसमें जो है थोड़ी सी लौकी और वगैरह ऐसे काट के, थोड़ा पालक मिलाकर इनका सूप बनाया जाता है। सूप का मतलब ये होता है कि हम उसमें उनको उसका ठोस भाग नहीं दे रहे हैं, उसको पानी में बॉइल करके, गर्म पानी में बॉइल करके, चाहे तो भगोने में, चाहे उसको जो है कुकर में बनाकर, और उसका जो सूप होता है सब्जी का वो सूप भी बच्चों को दिया जा सकता है हल्का सा नमक मिला के। और ये जो सब्जियों का सूप जो है ये बच्चे को खनिज लवण और विटामिन प्रोवाइड करते हैं। तो जो खनिज लवण जो है वो जो कि जो माँ के दूध से उसको उतने नहीं मिल पाते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो सब्जियों के सूप से उसको ये उसकी ये आवश्यकता पूरी होती है। और इसके अलावा बच्चों को जो है दालों का सूप जो है वो, जैसे दाल बच्चा नहीं खा पाता है, लेकिन दालों के जो सूप बनते हैं, यानी दाल को उबाल के और जो उसका ऊपर ऊपर का जो पानी होता है उस पानी में को बच्चे को दिया जाता है, तो वो जो सूप होता है उससे बच्चे को प्रोटीन प्राप्त होता है, प्रोटीन की मात्रा जो उसको एडिशनल चाहिए वो प्राप्त होती है, और साथ ही उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो विटामिन बी का जो समूह होता है बाद में जो है नेक्स्ट जो है वो है अर्ध ठोस पूरक आहार, जिसको हम सेमी सॉलिड डाइट कहते हैं। ये सेमी सॉलिड डाइट में जो पाचन प्रणाली जो है, इस पाचन प्रणाली क्योंकि परिपक्व हो गई है, इसलिए ऐसा आहार जो कि ना तो लिक्विड होता है और ना ही पूरी तरह से सॉलिड होता है, इसलिए उसको अर्ध ठोस पूरक आहार कहते हैं। और इसमें जो है जैसे बच्चे को घुटी हुई दाल दी जा सकती है, जैसे जो दाल बनाई जाती है, अभी तक तो हम उसको दाल का पानी दे रहे थे, लेकिन दाल को अच्छी तरह से घोट कर वो दिया जा सकता है, पतली खिचड़ी दी जा सकती है, पतला दलिया दिया जा सकता है, और जो ब्रांड फूड्स जैसे सेरेलक है या इस तरह के जो ऐसे फूड्स आते हैं जो डिब्बा बंद आते हैं, हालांकि ये कहा जाता है कि जितना ज़्यादा हो घर का बना हुआ अगर आहार बच्चे को दिया जाता है तो वो उसके लिए ज़्यादा जो है न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा अच्छा रहता है और उसको डाइजेस्ट भी अच्छा होता है। लेकिन कई बार जो है जैसे बड़े शहरों में माताएं जो हैं वो जो काम करती हैं, जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, उनके लिए ये सेरेलैक वगैरह जो है ये ज़्यादा जो है आजकल प्रचलन में है। और जो है इसके अलावा उबला हुआ आलू, सूजी की खीर हो गई, चावल को अच्छे से बॉईल करके चावल की खीर जो है वो बच्चे को दी जा सकती है। तो ये जो आहार है ये 5 से 6 महीने की आयु में इसको स्टार्ट किया जाता है। और फिर जो तीसरा जो है वो है ठोस पूरक आहार। ये ठोस पूरक जो आहार जो है ये 6 to 7 months में स्टार्ट किया जाता है, और इसमें जो है इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है मैश्ड सॉलिड फूड जिसको मसला हुआ ठोस आहार कहते हैं, और दूसरा है अनमैश्ड सॉलिड फूड जिसको बिना मसला हुआ जो है आहार कहते हैं। ये जो मसला हुआ आहार जो है ये तो 6 to 7 months में स्टार्ट किया जाता है, लेकिन बिना मसला हुआ जो है वो 9 months में स्टार्ट किया जाता है, जब बच्चे के दांत जो हैं वो, हालांकि दांत तो बच्चे के 6-7 महीने में ही निकलने लगते हैं, लेकिन 5-6 दांत जो है वो 9 महीने तक आ जाते हैं, तो उस समय बच्चा जो है इस तरह का मैश्ड जो मसल के फूड को, जो अच्छे से उसको मसल के जो दिया जाता है उसमें उबला हुआ अंडा दिया जा सकता है, दाल चावल
दिए जा सकते हैं, उबला हुआ आलू दिया जा सकता है, दूध में केला जो है उसको मैश कर दिया जा सकता है, कुछ सब्जियों को बॉईल करके या उबाल कर उसको मैश करके दिया जा सकता है। और फिर जो है ये जो अनमैश्ड जो सॉलिड फूड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 9 मंथ्स पर इसको स्टार्ट करना चाहिए, और इसमें जो है गाजर, अमरूद, जैसे क्योंकि बच्चे के दांत निकलते हैं तो दांत निकलने के टाइम पे बच्चे को काफ़ी जो है रेस्टलेसनेस या इरिटेशन या दांत की वजह से चिड़चिड़ाहटपन होती है, तो कोई ऐसी चीज़ जो कि थोड़ी सी सॉलिड चीज़ हो अगर वो बच्चे को दांत के लिए दी जाए, तो जो है नॉर्मली कई बार आपने देखा होगा टीथर टाइप के जो है बच्चों के लिए दांत के लिए खिलौने आते हैं, उसकी जगह यदि बच्चे को इस तरह की थोड़ी सी हार्ड चीज़ जैसे गाजर है, अमरूद है, सेब का पीस है, चीकू है, खीरा है, इस तरह के पीस जो है वो अगर दिए जाए तो वो उसके लिए जो है थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा वो चबाने भी लगता है और उसकी जो इरिटेशन भी कम होती है और उससे उसको न्यूट्रिशन भी मिलता है। और फिर जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसको घर पर बनाए जाने वाले सभी तरह का जो सामान्य भोजन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा घी तेल ना हो, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ ना हो, बहुत ज़्यादा मसाले ना हो, ऐसा भोजन जो है वो 1 वर्ष में शुरू किया जा सकता है। अब मैं आपसे बात करूंगी कि जब बच्चे को ये ठोस आहार दिए जाते हैं तो कई बार बहुत समस्याएं मदर्स को आती हैं और वो कहती हैं कि जो है हमारा बच्चा ये नहीं खाता, हमारा बच्चा वो नहीं खाता है। एक चीज़ मैं इसमें आपको आपके साथ जो साझा करना चाहती हूँ वो ये है कि बच्चा जो उसकी भूख होती है, जितनी उसको भूख लगती है उसके हिसाब से वो पूरा अच्छे से खा लेता है। लेकिन अगर जब हम सप्लीमेंट्री डाइट अगर स्टार्ट कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री फूड स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ क्योंकि नई चीज़ नया स्वाद हम भी अगर इस उम्र में भी नया स्वाद अगर कुछ और लें तो वो हमें ज़रूरी नहीं कि अच्छा लगे, तो क्योंकि नए स्वाद होता है बच्चे का, तो एक टाइम पर, एक समय पर, एक दिन में एक ही तरह का आहार शुरू किया जाना चाहिए। और फिर उसको जो है 2-3 दिन में अगर जैसे लगे बच्चे को अगर पसंद आ रहा है तो 2-3 दिन देकर और फिर नया आहार जो है या नई जो चीज़ है उसको ऐड करना चाहिए। और यदि ऐसा लगता है कि बच्चे को कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है, बच्चा जो है ऐसे जेस्चर्स या इस तरह के हाव भाव दिखाता है कि वो अपने उस चीज़ से दूर भागता है या उसको मुंह से निकालता है, इसका मतलब है कि उसको ये पसंद नहीं है, तो उसको ज़बरदस्ती इसके लिए जो है इम्पोज नहीं करना चाहिए, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और अगर जो है किसी तरह के नए फूड को खाकर अगर बच्चे का पाचन प्रणाली, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, उसको लूज मोशन हो रहे हैं, कोष्ठबद्धता हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी आहार बच्चे को सूट नहीं किया, तो उस केस में उस आहार को डिसकंटिन्यू करना चाहिए। और शुरू में जब भी आहार शुरू करा जाए उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जाना चाहिए और जैसे जैसे बच्चे को अच्छा लगने लगे उस मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। एकदम से कई बार मदर्स ऐसे करती हैं कि एक जो है कटोरी में भर लिया और उसको उनका ये टारगेट हो जाता है कि ये जो है ये आज उसको बच्चे को पूरा खिलाना ही है, तो ऐसा करने से बच्चे का उस नए आहार के प्रति जो है एक तरह का जो है डिसइंटरेस्ट जो है या उनको जो है वो उसमें अरुचि जो है वो होने लगती है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बच्चा धीरे धीरे जो है अपने जो है मदर की डाइट के साथ साथ मदर का जो दूध है उसके साथ साथ, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, क्योंकि जो बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है, जो विकास हो रहा है, उसके लिए जो उसको पोषक तत्व चाहिए वो सिर्फ अब माँ के दूध में नहीं है, तो 6 महीने के बाद में ये सब आहार जो है धीरे धीरे उसको स्टार्ट करने चाहिए जो उसकी वृद्धि और विकास के लिए जो है सही है और वो उसके लिए आवश्यक भी है। धन्यवाद।